छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल कल टहलते हुए घर पर ही अचानक से गिर पड़े, जिसे उनके बाएं पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। इस बाद उन्हें तत्काल रायपुर के बालाजी अस्पताल ले जाया गया, जहां सर्जरी के बाद उन्हें डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हॉस्पिटल पहुंचकर पिता का हालचाल जाना। वे करीब 2 घंटे तक अस्पताल में रहे और उन्होंने डॉक्टरों की टीम से भी पिता के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात नंद कुमार अचानक अपने निवास में गिर गए थे। उसके बाद उन्हें गुरुवार की सुबह 7 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मेडिसिन आर्थो न्यूरोसर्जन की डॉक्टरों की टीम ने जांच बाद पाया कि उन्हें फीमर बोन फ्रैक्चर है, जिसकी सर्जरी करने की सलाह दी गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम ने नंद कुमार बघेल का बाइपोलर मॉड्यूलर हेमी आर्थोप्लास्टी ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया। हॉस्पिटल के चेयरमैन देवेंद्र नायक ने बताया, उन्हें अभी 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उम्र और उनकी बीमारी को देखते हुए अब यह ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण रहे। इसमें टीम को सफलता मिली है और उनके हालात में अभी काफी सुधार है। यहाँ आर्थोपेडिक डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर यूनिक यदु, डॉक्टर रश्मि पठान, डॉक्टर अमीन कुरैशी, एनेस्थेटिक टीम डॉक्टर सुनील माकरा, डॉक्टर रीमा वाधवा, डॉक्टर मनीष नाग, वहीं क्रिटिकल केयर की टीम में डॉक्टर प्रफुल्ल अग्निहोत्री, डॉक्टर सोनल वाजपेयी की निगरानी में बाइपोलर मॉड्यूलर हेमी आर्थोप्लास्टी का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों की टीम तकरीबन 3 घंटे तक लगी रही, इसके बाद यह ऑपरेशन सफल हुआ है। हॉस्पिटल में भी नंद कुमार बघेल डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में है।